नया क्वेश्चन है कि एक टावर जिसकी हाइट दे रखी है 41.6 मीटर, उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पर्सन जिसकी हाइट है 1.6 मीटर खड़ा हुआ है। अगर कि ये पर्सन इस टावर से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जाता है, अगर कि ये पर्सन इस टावर से 2 मीटर पर सेकंड की दूर स्पीड से इससे दूर जाता है, तो बताओ इसके एंगल के डिक्रीज होने की स्पीड डी थीटा अपॉन ए टी कितनी होगी, जबकि हमें ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है जब एक्स इजिकल टू 30 मीटर। एक बार फिर से समझ लो, एक टावर जिसकी हाइट है 41.6 मीटर, उससे एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। ये पर्सन 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टावर से दूर जा रहा है, तो बताओ इसका एक्यूट एंगल किस स्पीड से डिक्रीज होता जाएगा। फाइन डी थीटा अपॉन डी टी किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, जबकि हमने एक्स इजिकल टू दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर जब उसकी डिस्टेंस थी तब से हमें ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी है। अब देखो आप लोग कि टेन थीटा इसका फॉर्मूला आता है पी अपॉन बी। हम जानते हैं कि थीटा एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और बचा गया बेस। तो यहां टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो 40 और बेस है एक्स, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन टेन थीटा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 40 और 1 अपॉन टेन थीटा को हम बोलते हैं कॉट थीटा। तो इस तरीके से एक्स इज इक्वल टू होता है 40 कॉट थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 40 और डी बाई डी टी ऑफ कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का डिफरेंशियल चेन रूल से निकालें तो कॉट थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल होता है डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमने दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी 2/40 कोसेक स्क्वायर थीटा मीटर पर सेकेंड, और एन साइन दे रखा है माइनस। अब देखो 2/40 इसको लिख सकता हूं मैं 1/20 और कोसेक ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं इसी ट्राइंगल को ले रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी, इसमें एक्स इजिकल टू आपको दे रखा है 30, जब एक्स इजिकल टू 30 होगा तब मैं इसकी डी थीटा डी टी के किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो एक्स दे रखा है 30, तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर एबी तो 30, बीसी दे रखा आपको 40, तो मुझे एसी निकालना है। और हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 50। अब हमें डी थीटा अपॉन डी टी, जब मुझे एक्स इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी मुझे तब फाइंड आउट करना है जब एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 30 मीटर। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि -1/20 और साइन के लिए पी अपॉन एक, और पी हमारे पास में आ रहा है 40 और एच है 50, तो यहां पर लिखिए 40/50 ऑल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25 / 20 से सॉल्व करेंगे तो आएगा -4/125 रेडियन पर सेकेंड। आंसर को ले रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी, इसमें एक्स इजिकल टू आपको दे रखा है 30, जब एक्स इजिकल टू 30 होगा तब मैं इसकी डी थीटा डी टी के किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो एक्स दे रखा है 30, तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर एबी तो 30, बीसी दे रखा आपको 40, तो मुझे एसी निकालना है। और हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 50। अब हमें डी थीटा अपॉन डी टी, जब मुझे एक्स इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी मुझे तब फाइंड आउट करना है जब एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको 30 मीटर। तो देखो
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि माइनस वन अपॉन 20 और साइन के लिए पी अपॉन एक और पी हमारे पास में आ रहा है 40 और एच है 50, तो यहां पर लिखेंगे 40 अपॉन 50 ऑल स्क्वायर, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 अपॉन 25 1 अपॉन 20 से सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 4 अपॉन 125 रेडियन पर सेकेंड।